चाहिए, तो इसके लिए कुछ नाश्ते में चटपटा यानी आलू का पराठा बनाई हूँ, जो मुझे बनाने नहीं आता फिर भी मैंने बना दिया है, ऐसा करके बनाया है। अब ये कैसे बनेगा और खाने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मैंने आलू का पराठा इधर बनाया हूँ दो वक्त के लिए। मुँह ख़राब हो गया बिल्कुल, आज का ब्लॉग दूँगी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह, आज का पूरा ब्लॉग मिलेगा आपको शाम तक का, कहाँ जाऊँगी क्या करूँगी कैसे होगा सब आप लोगों को आज मिलेगा। मैं ब्लॉग ज़्यादा नहीं डाल पा रही हूँ, काम पे जाने की वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी गाइस। तो मिलती हूँ नाश्ते पे आलू का पराठा बनाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वापस से आ गई हूँ मैं। तो मैंने अमेजोन से ये प्रोडक्ट्स मंगाया था कपड़ा धोने की। अम्मी के हाथ में दर्द हो रहा था, मैं काम पे जाती हूँ तो इसके लिए मैं बोली ये छोटा सा है, बोलते बाल्टी में लगा के धोना है, कपड़े धुल जाएंगे तो मेरे लिए थोड़े थोड़े करके आप धो लेना। तो ये प्रोडक्ट्स तो मेरे किसी काम का नहीं निकला, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है। अमेजोन से मैंने मंगाया था ये प्रोडक्ट और ना वो बंदा घर पर आया है, वो बाहर फ़ोन करके भांजे को बुलाया है, घर पर भी नहीं आया, वहीं से वहीं दे के चला गया है, अंदर भी नहीं आया, बताया भी नहीं इसका सिस्टम कैसा क्या करना है। अंदर एक कागज़ था उसके हिसाब से मैंने करी, वाटर यहाँ तक भरना था, भरी बाल्टी में रख के। तो ये वर्क ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। तो मेरे 2300 रुपये तो बेकार हो गए। अगर आप लोग ये मंगाओगे तो मत मंगाओ, क्योंकि ये वर्क नहीं करता है ये बिल्कुल भी। मेरे 2300 रुपये तो चले गए, क्योंकि ये रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है इसमें, क्योंकि इसने जब मैंने बुक करा था उसमें मैंने कुछ देखा नहीं था, जब इधर पेपर आया तो इसको खोलने का जब पेपर पड़ा तो इसमें रिटर्न भी नहीं है, अगर ये ख़राब हुआ या चला नहीं तो इसका रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने इसको चलाया ना, उसने मुझे बता के गया कि इसको किस तरह चलाना है, वो बाहर से बाहर भांजे को दिया और पैसा बाहर से बाहर लेके चला गया, घर में भी नहीं आया कि इसको खोल के बताइए और इसकी ना पॉलिसी समझाई ना कुछ समझाई ना इसने मुझे। उसने ये भी नहीं बोला कि भाई ये रिटर्न भी नहीं होगा, नहीं तो मैं कैंसिल करा के वापस भेज देती। तो बाद में मुझे पता चला है इस पर 5 स्टार दिया हुआ है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। तो आप लोग अगर ये लेना चाह रहे हैं तो मत लो अमेज़न से, क्योंकि मैं फंस गई हूँ। अगर दुकान से ये प्रोडक्ट लेती तो दुकान में वापस भी गारंटी भी होती, अब वापस भी वारंटी भी होती, वापस भी कर सकती थी और दुकान वाले को बुला के इसको चेक भी करा था। मगर अभी इसको क्या करी, ले लूँ तो 2300 रुपये तो वैसे ही फालतू में चला गए। या तो आप लोगों को अगर इसका तरीका पता है किस तरीके से इसको चलाना है तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता दें कैसे किस तरह से। मगर बहरहाल मुझे तो ये पसंद भी नहीं आया और ये अभी फालतू में रखा पड़ा रहेगा, तो ये आप लोग जो है ना देख लो, ये बेकार मशीन है। अमेजोन से बिल्कुल भी मैं कभी अभी अमेजोन से कोई सामान नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि जब भी मैंने अमेजोन से सामान मंगाया है मेरा नुकसान ही हुआ है। तो अभी मैं पता नहीं लोग कैसे अमेजोन को अच्छा बोलते हैं, मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलूँगी अमेजोन को, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट ख़राब मिला है और ऊपर से इसकी गारंटी वारंटी भी नहीं और इसका रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है, इसके लिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये पैक हो जाएगा और ये पड़ जाएगा घर में ऐसे ही बेकार के सामानों के साथ सालों साल के लिए। इससे पहले एक मिक्सर मंगाई थी वो भी नहीं चला, अब ये मंगाई हूँ तो 2300 रुपये तो मेरे बिल्कुल में फालतू। तो फ्रेंड्स मैं गई थी मार्केट, मार्केट से लाई हूँ खाना बनाने का सामान, तो लहसुन ख़त्म हो गया था तो मैंने लाई लहसुन 1.25 किलो, अदरक 100 ग्राम, क्योंकि इतनी महंगी हो गई है, 50 रुपये 1.25 किलो अदरक है। टमाटर इतने महंगे हो गए कि सोचना पड़ रहा है लाने के लिए। तो आज जैसे कि मैं घर में हूँ तो मैं भी थोड़ा सा खाने का और आज का रूटीन बना लूँ, क्योंकि मुँह ख़राब हो गया है, दवा खा के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा तेज कुछ बनाती हूँ। तो सोची अचारी गोश्त बना दूँ, और भांजा भी बोलता है अच्छा खाना नहीं, मैं नहीं रहती हूँ तो नहीं पकता है, तो इसके लिए मैं बोली चलो आज बना देती हूँ अचारी गोश्त ही। तो इसके लिए अम्मी से गोश्त साफ करा रही हूँ, अम्मी कुकर में मत डालो गोश्त, अच्छा घी में डालो, डालूँगी मैं। तो अचारी गोश्त में जो है मेन ये मिर्ची होती है, जो मिर्ची मैंने ले आई हुई है, तो इतना मिर्ची कोई खाता नहीं इसलिए मैंने कम मिर्ची डाली हूँ। तो इसमें मैं सिर्फ 4 मिर्ची डालूँगी ये वाली, और नींबू जाता है इसमें तो इसलिए नींबू भी ले आई हूँ, दही जाता है दही भी, और ये शान का जो अचारी गोश्त मसाला है तो ये भी मैं ले आई हूँ। ठीक है, तो अभी मैं मसाला वसाला बनाने के बाद सब करने का इसको जब भूनूंगी करूँगी वो वीडियो भी डालती हूँ मैं अपनी, आप लोगों से शेयर करती हूँ
और सॉरी गाइस, मैंने नाश्ते के लिए नाश्ते का आपको वीडियो नहीं बताया, शॉर्ट पे मैंने नाश्ते का वीडियो डाल दिया अपना, क्योंकि आज मेरा मुंह बिल्कुल ख़राब हो गया था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए दो आलू उबाल के मैंने दो पराठे बनाए थे अपने लिए, आलू के दो पराठे बनाए थे, वो मैंने अपने शॉर्ट में डाल दिया है। और मैंने जो मशीन की आपको वीडियो बना के भेजी थी, प्लीज़ उसको कैसे चला रहे हैं, अगर आप लोग ने किसी ने लिया है तो उसके कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि 2300 रुपये वसूल हो जाएंगे, नहीं तो उसको मैं ऊपर फेंकना पड़ेगा, इसी जोकर कोड वाले में सब सामान गया और उसमें डालना पड़ेगा, तो प्लीज़ मेरे को उसके लिए बताओ। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को इसका सब मसाला तैयार करने के बाद, और ये किस तरीके से मैं इसको भूनूंगी चढ़ाऊंगी वो दिखाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो मेरे सब्सक्राइबर, देखो मैंने गोश्त, मेरी अम्मी ने इतने अच्छे से गोश्त साफ कर दिया, इसको 2 से 3 पानी से धो के इसके अंदर का पूरा फैट होता है ना जो चिकना ज़्यादा है, पूरा निकाल दिया है। तो अभी ये गोश्त मैं कुकर में डाल रही हूँ चढ़ाने के लिए, तो अभी कुकर में जाएगा गोश्त चढ़ने के लिए, फिर मैं बताती हूँ आगे का इसका प्रोसीजर आपको। तो जो है मेरा मसाले का तैयारी हो चुकी है, अदरक लहसुन पीस रही हूँ, तो इसके लिए हरी मिर्ची थोड़ा चीर के डाली हूँ, ये मिर्ची में मैंने अचारी मसाला अंदर भर दी हूँ जो लास्ट में हम डालेंगे अचारी गोश्त के लिए, टमाटर भी मैंने पीस ली हूँ, दही भी मैंने पीस के अल्हम्दुलिल्लाह रख ली हूँ, और ये अचारी गोश्त मसाला भी रेडी है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रही हूँ शुरुआत करने अचारी गोश्त बनाने की। तो सबसे पहले हम तेल डालेंगे, बिस्मिल्लाह करके बनाओ, खाने में हमेशा बरकत आती है। तो हम तेल डालेंगे थोड़ा सा, तो अचारी गोश्त है तो थोड़ा ज़्यादा तेल जाएगा इसमें, तेल मैंने डाल चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा हम तेल को गर्म होने के लिए गैस तो मैंने चालू करा, चलो कोई नहीं, तो अभी तेल गर्म होता है जब तक के लिए बिस्मिल्लाह। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन भून लेंगे इसकी कच्ची बात के लिए। अच्छे से अदरक लहसुन की पूरी कच्ची बात निकल जाना चाहिए, तब तक के लिए हम अदरक लहसुन भूनेंगे। अदरक लहसुन पूरा भून जाएगा बाद, तो देखो अदरक लहसुन मेरा भून गया है और पानी जो है सेपरेट हो चुका है इधर पे, और यहाँ पे मेरा बघार के चावल, ज़ाफ़रानी चावल यहाँ रेडी हो रहा है इसके साथ। अभी यहाँ पे मैं डालूँगी ये जो टमाटर की प्यूरी जो मैंने उबाल के इसका छिलका निकाल दिया था, मैं थोड़ी सी कश्मीरी कलर के लिए लाल मिर्ची डालूँगी और दही जाएगी। मेरा अचारी मसाला नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें जाएगा। नमक उबालते टाइम भी गोश्त मैंने डाला था, इसलिए दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था ताकि फटे नहीं, और कंटिन्यू हिला रही हूँ ताकि वो फटे नहीं। अभी सारा गोश्त और गोश्त का पानी सब एक साथ इसमें चला जाएगा।
थोड़े तीखे के लिए मैं तीखी मिर्ची भी डालूंगी इसमें। अगर आप लोगों को तीखा खाना है, मेरे को बुखार की वजह से मेरा मुंह खराब हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा तीखा सा बना रही हूँ इसको, हल्का सा। मेरा चावल भी बन रहा है, जाफरानी चावल बना रही हूँ मैं इधर, और इधर अचारी गोश्त बन रहा है इधर। देखो आज के मेरा पूरे दिन का रूटीन है, सुबह नाश्ते से लेके नाश्ते की वीडियो तो ऐसा हो गया कि वो बनाने पाई तेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था इसके लिए, तो वो मेरी शॉर्ट वीडियो पे आप लोग देख सकते हैं जाके। आलू के पराठा बनाया हूँ मैंने, अब इसकी ग्रेवी को मैं थोड़ा सिकाऊंगी, इतना गाढ़ा नहीं रखूंगी। मैं सब ये जितना भी ये सब चीज धो लूंगी, टमाटर वमाटा पिसा हुआ जितना भी ग्रेवी सब। ओके डाल दूंगी इसमें, पानी पर इसको भी पकने देते हैं गाढ़ा होने के लिए। मैं दाल वाल नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ये पूरा आप लोगों को चाहिए तो ये सूखा बना सकते हैं एकदम आप लोग, और मैं जो है चावल में थोड़ा लगा के खाने के लिए थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाऊंगी। मेन जो चीज़ है इसमें ये मिर्ची का कमाल है, ये मिर्ची भी इसमें अब जाएगी, तो इसे अचारी गोश्त बोला जाता है। लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी, और पूरी रेसिपी प्रॉपर चाहिए किस तरह से मैंने मसाला बनाया और पिसा ही वो, तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं। नमक मिर्ची टेस्ट कर लेना आप लोग, ये मिर्ची पकने के लिए और ग्रेवी थोड़ा सा ये होने के लिए ठीक तो हो गई, और थोड़ा होने के लिए मैं इसको ढक के धीमी आंच पे पकाऊंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद इसका लुक आप लोगों को बताने के लिए। हाँ देखो ये मेरा अचारी गोश्त बन के तैयार हो गया है, इस तरीके से मैंने रखा है। इसको ना सूखा भी बनाते हैं बहुत से लोग, मुझे सूखा नहीं बनाना है क्योंकि मुझे चावल मैंने बघारा है, जाफरान डाल के जाफरानी चावल बनाया है, और ये जो है ना मुझे इसके साथ ऐसे ही चाहिए थोड़ा ग्रेवी, भांजा मेरा खाता है थोड़ा ग्रेवी, तो उसके लिए अब इस पे मैं थोड़ी सी हरी धनिया, इस रेडी हो गया तो भी हरी धनिया से इसको गार्निश करेंगे, इस तरह से हरी धनिया थोड़ा डालेंगे अभी। मेरा अचारी गोश्त रेडी है, आप लोग भी इसका कमेंट्स में मुझे बताओ कैसे बनाया है मैंने अचारी गोश्त। तो ये अचारी गोश्त मेरा रेडी हो गया, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है एकदम। नमक मिर्ची सब एकदम टेस्ट है, अभी मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करूंगी अपना जाफरानी चावल का, उसका भी लुक मैं आप लोगों को बताऊंगी, शेयर करूंगी।
अब मिलती हूँ खाने के दस्तरखान पे। करी तो मेरा ज़ाफ़रानी चावल दम हो चुका है रेडी। अब इस पे हम डालेंगे अपना किशमिश और कांदा। गार्निश के लिए अच्छा लगेगा। केजू, काजू को इंग्लिश में कहते केशु, क्या कहते काजू को केजू केशु क्या तो भी बोलते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती सॉरी। काजू है और थोड़ी सी रही, कोथमीर भी जाएंगी, इसका लुक और अच्छा आएगा। गाइस ये रेडी हो गया मेरा ज़ाफ़रानी चावल गार्निश के साथ। आपको इसका लुक कैसा लगा और कमेंट्स में बिल्कुल बताना प्लीज़। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। और ये मेरा यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई मेरा मुझसे ये अचारी गोश्त मेरा, देखो ये अचारी गोश्त भी तैयार है। आप लोगों को कैसा लगा अचारी गोश्त और ज़ाफ़रानी मेरा, ये लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइए। बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, पसीना देखो बुखार से कैसे छूट रहा है मुझे, क्योंकि अंदर से बुखार भी है मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए काम पे नहीं गई, खाना बनाने इसलिए खड़ी हो गई। क्योंकि भांजे को कुछ अच्छा खाना था, बोला था कुछ अच्छा बना आज, और मुझे भी कुछ तीखा खाना था इसलिए थोड़ा मिर्ची ज़्यादा डाल के बनाई। बुखार से दवा खा खा के बहुत, और दवा खाई हूँ इसलिए पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो प्लीज़ दुआ करना दवा ठीक दुआ करना तबीयत भी ठीक हो जाए। इसको भी मैं आराम करूँगी, मिलती हूँ आप लोगों को खाने के दस्तरखान के लिए, आप इंतज़ार कीजिए। तो गाइस खाना बन के चुका है, तैयार है, भांजा भी आ चुका है, दस्तरखान लग चुका है, अम्मी खाना निकाल रहे हैं ये, और अम्मी को खाना निकालने नहीं आता है क्योंकि अम्मी काजू बादाम सब साथ में घुसड़ गई निकाल दे रहे, तो उनको ऐसा निकालने नहीं आता है। तू निकाल ना, आ तुम निकालो ना, बिरयानी कैसा निकालते वैसा निकालने का। तो ये मेरा मशाला चारी गोश्त बन के तैयार एकदम से। थोड़ा सा मैंने इसको ये गाढ़ा रहता है, मगर मुझे भांजे को थोड़ा ग्रेवी लगता है तो इसलिए ग्रेवी वाला थोड़ा बनाई। आप लोग जो है इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं, सुखा भी सकते हैं, भून भी सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको चारी गोश्त के साथ दाल वाल रहेगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा सा ढीला रखी हूँ। मस्त एकदम टेस्टी। तो आ जाइए आप भी मेरे दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह बोलने के लिए, मिलती हूँ तो अभी शाम में आपके लोग से। तो गाइस मैं थोड़ा सा तो अच्छा नहीं लगा, तो मैं शिवाजी नगर मार्केट आ चुकी थी। यहाँ से मैंने कुछ टिश्यू वगैरह वो मैंने यहाँ से लिया, थोड़ा मार्केट में थोड़ा सा घूम के अच्छा लग रहा था। मैं सारी चीज़ें देख रही थी कि कैसे यहाँ कपड़े वगैरह हर चीज़ की अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है यहाँ पे, यार लेडीज़ चीज़ बहुत अच्छी अच्छी मिलती है लेडीज़। पौने दस के करीब हो गया था तभी भी मार्केट देखो इतनी लगी हुई थी ना, तो फिर मैंने बोला चलो। असल में मैं गई थी अपनी पीसीसी की तारीख लेने, मगर वो निकल नहीं गई थी, तो फिर मार्केट से और इसी तरह मैं वीडियो बनाते जा रही थी कि मैं भी चलो आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट का वीडियो भी शेयर।
अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मार्केट से आ चुकी हूँ सामान लेके। पीसीसी की तारीख लेने गई थी, निकली ही नहीं तारीख, इतना टाइम हो गया बैठे बैठे। फिर आ गए थे तो दस्तरखान बिछा हुआ था, तो तुम लेट हो, मैं नहीं निकाल पाई। अब बिस्तर लग चुका है, खाना पीना हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खा चुकी हूँ, खाना पीना भी हो चुका है। अब जा रही हूँ सोने, ब्लॉग करती हूँ यहीं बंद। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपको, जब बनाऊँगी कुछ अच्छा और दिन भर की रूटीन में क्या हुआ वो बताने के लिए। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक कर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दुआ करो मुझे पीसीसी की तारीख मिल जाए, ताकि मैं यहाँ से कोई जाऊँ वहाँ से भी अच्छी अच्छी चीज़ें की, अच्छे अच्छे अपनी डेली रूटीन की वहाँ से भी वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को और अच्छा लगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, एटलीस्ट जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो मुझे लाइक और कमेंट करें। 402-405 मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ वो लोग ही मेरी वीडियोज़ को लाइक और मेरी व्लॉग को लाइक और शेयर और कमेंट्स करें प्लीज़। आप लोगों से होप आप लोग अच्छे हैं, अल्लाह पाक आप लोग को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।